नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया में। और साथ ही साथ हम आपका स्वागत करते हैं हमारा खास प्रोग्राम भोजपुरी दंगल में। और आप सभी को, जी हाँ, नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सभी दर्शकों को हमारे होली की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका होली का त्यौहार बहुत बहुत बधाई हो। भाई, आप तो अपने घरों में होली खेल करके इन दिनों आराम से बैठे हुए होंगे या फिर होली खेल रहे होंगे, लेकिन हम आप सभी के सामने हाजिर हैं, आप सभी के सामने, कि पूरे देश भर में किस तरीके से होली मनाई जा रही है और किस तरीके से शुरुआत की गई है। तो चलिए, आज की हम खास खबर में आपको बताते हैं एक ऐसी खबर जो कि आपको कहीं ना कहीं दिल को भा जाएगी। उससे पहले मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहूँगी। संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसा, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसा, हम भी मिलजुल कर रहे ऐसे ही, मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले जैसा। और ये लाइन बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक बैठता है हमारे खास राज्य बनारस में। जी हाँ, बनारस जिसे धर्म का राज्य कहा जाता है, जो भगवान का सबसे खास स्थान माना जाता है, और हिंदुओं के लिए बनारस का गंगा घाट बहुत ही मान्य रखता है, उनके जीवन में उनका एक अलग ही महत्व है। लेकिन इन सभी चीज़ों के अलावा बहुत कुछ अलग भी है, बहुत कुछ अलग दिखता है बनारस का रंग, और इस होली में भी बहुत कुछ अलग दिखा। होली का रंग तो हमारे बनारस के लोगों पर चढ़ा ही चढ़ा, साथ में कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम को एक अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन होली के दिन सब मिलजुल कर एक हुए हैं। और ऐसा हुआ है हमारे बनारस में। जी हाँ, बनारस में कुछ स्थान पर मुस्लिम महिलाएं और हमारी हिंदू महिलाएं दोनों ने मिलकर एक साथ होली मनाई है, जहां उन्होंने होली मनाकर, हिंदुओं का पर्व कहा जाता है वैसे तो, लेकिन कहते हैं ना, हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के लाखों रंग हैं, और उन लाखों रंग में से एक था होली के दिन उन दो औरतों को आपस में मिलजुल कर होली खेलना। और ऐसा उन करते हुए उन्हें बेहद ज़्यादा खुशी भी हुई, और साथ ही साथ उन्होंने हाल ही में जो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठा था, तीन तलाक, जो पूरे भारत में महिलाओं का एक समस्या बना हुआ है, उस पर भी उन्होंने अपनी आवाज़ से, अपने सुरों के साथ इस आवाज़ पर एक गीत भी गाया, और बहुत वहाँ पर कह सकते हैं उसका जो नज़ारा था वो सच में देखने लायक था, कि किस तरीके से वहाँ की महिलाएं अलग, सभी जाति धर्मों को भूल करके एक अलग तरीके से होली का त्यौहार उन्होंने मनाया है, और हर किसी को ये संदेश दिया है कि हम आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई कर लें, लेकिन एक घर के हैं और हमें मिलजुल कर ही रहना है। चलिए, देखिए ये खास प्रोग्राम और वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ों की शुरुआत की और क्या क्या खास किया। इसी के साथ साथ हम आपको जाते जाते ये भी बता दें कि उन रंगों से मत खेलिएगा जो कि आपके शरीर को, आपके बॉडी को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाए। होली खेलना बहुत अच्छी बात है, उसे अच्छे से खेलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं रंग में भंग ना मिल जाए, ऐसे मत खेलिए होली। चलिए देखिए रिपोर्ट विस्तार से। धर्म नगरी काशी में 5 दिनों से चल रहे होली महोत्सव के तीसरे दिन बुधवार को मुस्लिम महिलाओं ने जमकर होली खेली। जहां महिलाओं ने एक दूसरे पर रंग फेंकते हुए ढोल की थाप पर फागुन गीत के साथ तीन तलाक पर भी गाने गाए। इस दौरान महिलाओं ने होलिका के साथ तीन तलाक का दहन करने की बात कही। होली का यह आयोजन मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान की ओर से किया गया। होली के जश्न में डूबी मुस्लिम महिलाओं ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग देने की भी बात कही। होली समारोह में हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने मजहब की दीवार गिराकर एक दूसरे को गुलाल लगाया। गुलियान महोत्सव में उड़ते गुलाल से लाल होते चेहरे ने हिंदू मुसलमान की पहचान कहीं खो कर दी, और दिखी तो बस मोहब्बत के फूल और उनकी पंखुड़ियाँ। ढोल की थाप पर उन्होंने अब की बार अवध में होली खेली। टाटा पेना
रहिए राम लल्ला। मोदी जी के धनवांदम है सखी, पहले खत्म तलाकवा जैसे गीतों से देश की राजनीति को संदेश दिया। सामरों में मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नेशनल सदर नंदी अंसारी ने कहा कि एक दूसरे के त्योहारों में भागीदारी ही नफरत की दीवार मिटाएगी। उन्होंने कहा कि त्योहार मेल मिलाप के लिए होते हैं। उन्होंने जुमे के दिन नमाजियों से हिंदू भाइयों से गले मिलकर बधाई देने की अपील की है। विशाल भारत संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा, होली तो लखनऊ में नवाब भी खेलते रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने भी हाथी पर चढ़कर होली खेली थी। आज पता नहीं कि मुस्लिम धर्मगुरु रंगों से दूर रहने को कहते हैं। मुस्लिम महिलाओं सभी को सबक देने की जरूरत है। हाँ, खुशियों के पर होली पर मौज मस्ती के साथ साथ इसी के साथ आपको सावधानी बरतने की भी जरूरत है। एक छोटी सी गलती आपके कहीं न कहीं स्किन और आंखों को खराब कर सकती है। खासकर केमिकल युक्त रंगों के प्रयोग से खेले जाने वाली होली स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। ज्यादातर रंगों को तैयार करने में रासायनिक पदार्थों की मिलावट की जाती है। ऐसे में यह रंग त्वचा और आंखों के लिए काफी हानिकारक भी होते हैं। अक्सर देखने में आया है कि युवा होली के दौरान इस बात का ध्यान नहीं रखते कि बाद में अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। जिला अस्पताल के नेत्र चिकित्सक के डॉक्टर टी के साहब बताते हैं, आंखों के लिए तो ये रंग सबसे ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। उनकी वजह से आंखों में जलन और लालपन की समस्या आती है। बेहतर यही है कि होली पर रासायनिक रंगों से दूर रहते हुए प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। वहीं जिला अस्पताल के कुछ डॉक्टर ने कहा कि एम के प्रजापति बताते हैं कि केमिकल युक्त रंगों से इस्तेमाल से त्वचा पर दाग निकल जाते हैं और कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है। यानी कि देखा जाए तो हमारी तरफ से आपको अलग अलग दो संदेश दिए गए। जी हाँ, सबसे पहला कि आपने इस होली के त्योहार को खास बनाया। जी हाँ, और जो धर्म की दीवार है, जो मजहब की दीवार है, वो सभी आपस में सभी एक दूसरे को भूल कर एक दूसरे के साथ होली का लुत्फ़ उठाएं और एक साथ मिल करके होली मनाएं। इसी के साथ साथ जो दूसरा हमारा संदेश है कि होली तो मनाएं ही, एक दूसरे के साथ रंग गुलाल उड़ाएं ही, लेकिन अपने आप का थोड़ा खास ध्यान रखकर। जी हाँ, ऐसा ना हो कि होली के रंग में इतने रंग रंग जाए कि आप बाद में आपको पछताना पड़े और होली के रंग में भंग बन जाए। जी हाँ, सावधानी बरते और अपनी तरफ से ही उसी चीज़ों का प्रयोग करें जिस चीज़ों से आपको कोई हानि ना पहुंचे, आपको कोई खराबी ना पहुंचे, और एक साथ मिल करके होली का त्यौहार मनाएं। और इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि बनारस ही नहीं, अब लखनऊ, कानपुर, बिहार, पूर्वांचल, दिल्ली, मुंबई, हर जगह पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से होली मना रहे हैं। और देखा जाए तो अब होली का त्यौहार सिर्फ मुस्लिम लोगों का या हिंदू लोगों का नहीं रहा, बल्कि मुस्लिम, ईसाई धर्म के हर एक धर्म के लोग अब इस त्यौहार का लुत्फ़ उठाते हैं और इस त्यौहार को काफी धूमधाम के साथ मनाते हैं। आपने कि किस तरीके से उन्होंने आपस में हजारों रंग मिला करके होली खेली और उन रंग को कह सकते हैं उस काले रंग को काट डाला जो कि धर्म और जाति पे बात करते हैं। धर्म जाति का एक दूसरे पर मुखौटा लगाए हुए रहते हैं, उस मुखौटे को उन्होंने हटा डाला। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हमारे भारत में हो रहा है कि जहाँ एक तरफ कट्टरपंथी लोग धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे पर कह सकते हैं एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पर्यंच कसते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपस में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और वो रह भी रहे हैं। चलिए, ये तो थी बात हमारे प्रोग्राम की, अब बात करते हैं हमारे दर्शकों की। जी हाँ, लास्ट खबर में हमने आपको बताया था कि बनारस में ही एक बहुत अनोखी तरीके की होली मनाई जाती है, बहुत अलग ढंग से होली मनाई जाती है
और इस बार भी कुछ ऐसा ही है जो हमारे पास मैसेज आया है उसमें, जो वो सोनी का है कि क्या हो गया है ये हमारे इंडिया को। जी हाँ, सब लोग मिलकर रहो, ये घर है हमारा, इंडिया घर है हमारा। और ये बहुत सही बात कही है उन्होंने कि भारत देश जो है वो हर किसी के लिए घर है, क्योंकि उन घर के साथ साथ वो देश में भी रहते हैं। और जिस तरीके से अपने घर की आप रक्षा करते हैं, अपने घर का आप रख रखाव करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे इंडिया भी हमारा है और उसका बहुत ध्यान अच्छे से रखना होता है। और सोनी का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम पे तो कमेंट किया ही किया, इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छा संदेश भी दिया है। चलिए आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ आपको जो अगर जो इस प्रोग्राम से जुड़ी कोई जानकारी लेनी हो, कोई बात कहनी हो, वो भी आप हमारे प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए लिखकर बता सकते हैं। और तब तक भोजपुरी की तमाम खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया। मैं कल फिर आप सभी के सामने होंगी हाजिर आपका खास प्रोग्राम भोजपुरी दंगल को लेकर के। लेकिन तब तक आप इस चैनल को देखना नहीं भूलिएगा। और जाते जाते एक बार फिर से हमारे सभी नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सभी परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।